जो सरकार है वो कर रही है, और दूसरा ये जो वेब सीरीज से जो बचा कुछ की मार्च चोदने का जो काम है वो ये इस तरह की वेब सीरीज करती है। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल है अरहान एंटरटेनमेंट, मैं हूँ राशि। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्ट बालाजी और जी फाइव की तरफ से ज्वाइंट वेंचर बनाएगी एक वेब सीरीज जिसका नाम है रागिनी एमएमएस रिटर्न सीजन 2। तो यार ये वेब सीरीज देख के मुझे कैसा लगा मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पर आज आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो या जाती पहले का, मैं बिल्कुल भी ये सब चीजों के मूड में आज हुई नहीं, क्योंकि आज मेरा दिमाग पहले से खराब है। जो सरकार है वो कर रही है, और दूसरा ये जो वेब सीरीज से जो बचा कुछ की मार्च चोदने का जो काम है वो ये इस तरीके की वेब सीरीज करती है। अगर मैं आज थोड़े बैड वर्ड, क्योंकि आज कुछ दिन ही ऐसा है। अब मैं इस वेब सीरीज की बात करते हैं, इस वेब सीरीज में हमें नजर आया दिव्या अग्रवाल, वरुण सूद और सनी लियोन सत्य, और जहाँ पर एकता कपूर और सनी लियोन मिल जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर आपको कहानी और कुछ भी ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा। यहाँ पर आपको सिर्फ सेक्स सेक्स और सेक्स ही देखने मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि इस वेब सीरीज में सनी लियोन का काम सिर्फ महज 10 मिनट का है, 10 से 15 मिनट का। इस वेब सीरीज शुरू होती है सनी लियोन से, जिसका नाम है मीना। वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से यानी कि भूत प्रेत को पकड़ती है। आप लोग यूट्यूब पर काफी पैरानॉर्मल शोज देखते होंगे, तो उसी तरीके के भूत प्रेत को पकड़ती, तो उसके नजर में एक बंगलो है, एक विला है कह सकते हो, जो महाराष्ट्र में है, और उस विला का नाम है विक्टोरिया विला। तो वहां पे बहुत सारी चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल क्यों है, क्योंकि वहां का जो राजा था उसने जितनी भी उसकी शादी किया था उसकी सारी बीवियों को वहां पे टॉर्चर करता था और उनको मार के वहीं दफना देता था। तो सनी लियोन चाहती है किसी भी तरीके से वहां जाके उन आत्माओं से बात करे, तो सनी लियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां जाती है। अब जिस बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड सनी लियोन हो तो उसका दिल क्या होगा आप लोग अच्छे से जानते हो, तो बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड का भी वही मन होता है कि सनी लियोन के साथ किसी भी तरीके से वो सब चीजें कर दे, सेक्स कर दे। लेकिन यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड का एक और इंटेंशन होता है, यानी वो चाहता है किसी भी तरीके से सेक्स तो करे लेकिन साथ साथ एक एमएमएस भी बना ले, और उसको बना के वो मार्केट में बेच के खूब सारे पैसा कमाए। लेकिन होता है कुछ उल्टा, वहां पर आ जाती है वो भूतनी। अब भूतनी भी क्या, मैं तो बोलूंगा यार चूतिया गिरी थी वहां पे भूत ने आके उसका आग फोड़ देती और सनी लियोन को गायब कर देती है। अब हो गए 11 साल होने के बाद अब वो विला एक होटल बन चुका है। तो उस होटल में 5 लड़कियां जाती है, एक लड़की की उसमें से जो शादी होती है, तो बैचलर पार्टी मनाने के लिए उस विला में जाते हैं। विला में जाने के बाद उन लोगों के साथ क्या चूतिया गिरी होती है ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता कि इस वेब सीरीज के एपिसोड्स के नाम क्या है, आप उस एपिसोड्स के नाम से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके की इसमें कहानी है, किस तरीके की सिचुएशन बताई गई। रुको, पहले एपिसोड का नाम है क्योंकि 2 में ज्यादा मजा है, दूसरे एपिसोड का नाम है गर्ल्स ट्रिप यानी ट्रिप यानी घूमना और ट्रिप यानी कपड़े उतारना, मजा या सजा। चौथा एपिसोड है सेक्स लाइफ और भूतियापा। 5वां एपिसोड से करोगे तो मरोगे, और 6ठा एपिसोड का नाम है नॉट अ गुड बाय। तो जो एपिसोड्स के नाम ही ऐसे अश्लील या वल्गर हो या डबल मीनिंग के हो तो सोच लो उसमें आपको बताएगा क्या। यहाँ पर अगर ये 6 एपिसोड, ये पूरी अभी कंप्लीट हुई नहीं है, 6 एपिसोड्स में आपको भूत के नाम पे सिर्फ चूतिया बनाया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों ने कोशिश की कितने हद तक वो सेक्सुअल सीन दिखाए। यहाँ पर ऐसा बताया कि लेस्बियन सीन बताया, यहाँ पर मतलब सिचुएशन क्रिएट करके सेक्स सीन बताने की कोशिश की गई, और कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि कुछ सिचुएशन हुई नहीं, डायरेक्ट बस सेक्स सीन शुरू हो गया, मतलब कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, ना कोई सिचुएशन बनी है कि नहीं अभी सेक्स सीन बताया जाएगा आपको, समझ में आता कि नहीं आपको सेक्स सीन होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि मतलब हर दूसरे फ्रेम में आपको एक सेक्स सीन देखने को मिलेगा, हर अलग अलग सेक्स की पोजीशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भूत के नाम पे या रागिनी एमएमएस जो एक फिल्म थी, जो फिल्म इतनी ज्यादा चली थी, लोगों को इतनी पसंद आई थी, उस फिल्म के सिर्फ एक फिल्म का एक प्लॉट ले लिया या एक उधर उसका नाम ले लिया, मगर यहाँ पर सिर्फ सेक्स को प्रमोट किया, कुछ भी नहीं। और जो कि अल्ट बालाजी वाले हमेशा करते, लेस्बियन सेक्स हो या जितनी भी वल्गैरिटी हो वो अल्ट बालाजी वाले ही प्रमोट करते। तो एक बहुत ही बड़ी शिट है, ये बहुत ही बड़ा गार्बेज है, कचरे का डब्बा है, जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मतलब मैं इसके बारे में जितनी चीजें बोलूंगा ना उतनी चीजें कम है। और आज का जो सिचुएशन, जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, वो माहौल को देखते नजर है तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो फालतू की जो हमारी सरकार जो चूतियागिरी कर रही है उससे अच्छा अगर इस तरीके की चीजों को बंद करेगी तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये महज एक टॉर्चर है। जो अगर आपको देखना तो आप लोग देखें, ये आपकी मर्जी है, बस मेरा काम था रिव्यू करना, मेरा काम था आपको बताना कि सब चीजों से दूर रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर सकते हो। तो बस मैं आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।